वालेकुम, आप लोग कैसे? मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी ठीक होंगे। आज आप मैं आप लोग के लिए लाई हूँ नई रेसिपी, जिसका नाम है बटर चिकन। वो कैसे बनता है, उसमें क्या क्या चीज़ें डालते हैं, वो अभी आपको डिटेल में बताते हैं। चलिए आइए देखते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिया चिकन, और यहाँ पे प्याज, और ये खड़ा है अदरक लहसुन, और काजू, नींबू, टमाटर, दही, मस्का, गरम मसाला, और ये थोड़े खड़े मसाले, कसूरी मेथी, और ये हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट। और इसके अलावा हमारे ये जो मसाले हैं, जैसे हल्दी और कश्मीरी लाल मिर्च, तीखी मिर्ची और धनिया पाउडर, ज़ीरा। तो अभी मैं सबसे पहला आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर देखिए मैंने आधा किलो चिकन ले लिया। उसको धो के मैंने फर्स्ट मैरिनेट करके रख दिया था। इसमें मैंने अदरक लहसुन छोटा एक चम्मच लगा दिया था, और नमक मिला कर लगा के उसको मैंने आधे घंटे के लिए मैरिनेट करके रख दिया था। अब जो सेकंड होएगा मैं भी आपको बताती हूँ। अब सेकंड के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा मैं भी आपको बताती हूँ। इसको हटा दूँ ज़रा। ये देखिए मैंने एक बाउल ले लिया है। अब इस बाउल में मैं डालूँगी यहाँ पर तेल, 2 चम्मच, बस 2 चम्मच तेल मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसमें मैं डालूँगी यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च, क्योंकि हम फूड कलर का तो इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं इसमें। इसके लिए मैंने यहाँ पर 1 चम्मच कश्मीरी मिर्च ले लिया, और थोड़ी सी तीखी मिर्ची ले लूँगी, और नमक स्वाद अनुसार, क्योंकि मैं नमक थोड़ा कम लूँगी, क्योंकि फर्स्ट जो मैं मैरिनेट किया था उसमें लगा के रखा था, और थोड़ी सी हल्दी। अब इसको मैं मिला दूँगी अच्छे से। इसमें मैं कलर नहीं डाल रही हूँ, कश्मीरी लाल मिर्च का जो कलर होता है बस वही आता है इसके अंदर। ये देखिए अब इसमें हम डाल देंगे हमारे चिकन जो मैंने मैरिनेट करके रखा था। और जो बड़े बड़े जो पीस थे, तो मैंने देखिए उसको कट लगा दिया है इस तरीके से बीच में से, कि मसाला हमारा अच्छे से लग जाए। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट, सिर्फ आधा चम्मच। देखिए, और नींबू, यहाँ पर मैंने एक नींबू लिया है, अभी नींबू भी इसमें डाल देंगे। बीज निकल जाए। नींबू का फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा आता है, इसलिए नींबू हम डालते, बीज निकाल देती। अब यहाँ पे हम डालेंगे दही। दही मैंने ये 100 ग्राम लिया है, इसमें से 50 ग्राम हम डाल देंगे, और ये 3 ये बाद के लिए रखेंगे। और थोड़ा सा डालेंगे गरम मसाला, आधा चम्मच, बस। अब इसको हम मिला लेंगे। इसको मैं हाथ से मिला लूँगी, चम्मच से मिलाने नहीं जमेगा। अच्छे से मिला कर रख देंगे, ये देखिए इस तरीके से। ये देखिए अब इसको हम 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे, जब तक हम इसका मसाला है वो बना देंगे। ये देखिए इस तरीके से। अब इसको मैं ढक के रख दूंगी। कवर करके हम इसको रख देंगे। अभी मैं आती हूँ। चलिए, मैंने तो चिकन को मैरिनेशन करके रख दिया है आधे घंटे के लिए। अब मैंने एक कढ़ाई में थोड़ा सी तेल डाला है, मैं इसमें मस्का नहीं डालूंगी, सिर्फ तेल में अभी मैं मसाले डालूंगी। तो सबसे पहला मैं देखिए मैं खड़े मसाले, यहाँ पर एक बड़ी इलायची, 4 छोटी इलायची, 2 लौंग, थोड़ी सी काली मिर्च, और थोड़ी सी दालचीनी। अब मैं इसको डाल देती हूँ, और यहाँ पर डालेंगे थोड़ा सा ज़ीरा। और हमारा तेज पत्ता। अब इसे हम डालेंगे प्याज। प्याज मैंने मीडियम साइज के 3 ली थी, अब इसको इसमें डाल देंगे। हमको ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करना है, कच्चा पक्का करना है, कि ये मसाला बनाना है हमें।
थोड़ी सी प्याज होने देते हैं, फिर इसमें हम दूसरे मसाले भी डालेंगे। चलिए देखिए प्याज हमारी कच्ची पक्की हो गई है। अब मैं दूसरे मसाले डालती हूँ। ये मैंने 8 से 10 लहसुन ले लिया खड़ा वाला, और 1 इंच का अदरक का टुकड़ा ये भी ले लिया है, ये भी इसमें डाल देंगे। अब इसमें हम डालेंगे टमाटर, ये 3 मीडियम साइज के टमाटर है, बारीक काट लिया था मैंने, इसको मिला लेंगे अच्छे से। अब इसमें हम डालेंगे काजू, काजू मैंने टुकड़ा काजू लिया है कम से 20 से 25 है, ये भी डाल देंगे इसमें। अगर आपके पास अखे है तो अखे भी डाल सकते हैं, नहीं है टुकड़ा है तो टुकड़ा भी डाल सकते हैं, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि ये तो पीसने वाली चीज़ है। अब इसको हमको इतना पकाना है कि टमाटर का पानी सूख जाए, क्योंकि टमाटर तो पानी छोड़ता है इसलिए। अब इसको मैं थोड़ी देर ढक के पकाऊंगी, क्योंकि पानी इसका छूटेगा तो उसी में सूख जाएंगे। अभी देखिए जरा, अब इसमें हम डालेंगे हमारे मसाले। देखिए इसके अंदर मैं थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च डालूंगी, थोड़ी सी तीखी वाली डालूंगी, थोड़ा सा धनिया पाउडर डालूंगी, थोड़ी सी हल्दी, और इसमें डालेंगे थोड़ा नमक। बस इसको थोड़ा सा भून के इसमें पानी डाल के टमाटर को गलने देंगे। इसमें पानी डाल देंगे, क्योंकि अभी हमारी प्याज टमाटर गलना बाकी है। थोड़ा पानी डाल दी मैंने, आधा गिलास। अब इसको पकने देंगे, जब तक पानी नहीं सूखता इसका, जब तक हम इसको पकने देंगे। चलिए देखते हैं पानी सूख गया और टमाटर और प्याज हमारी गली। हाँ माशाल्लाह, देखिए टमाटर भी गल गए हैं, प्याज भी गल गई है। अब इसको मैं ठंडा होके इसका पेस्ट बना लेती हूँ और हमारा चिकन फ्राई कर। चलिए देखिए यहाँ पे मैंने पैन भी रख दिया है, हल्का सा मैंने इसमें ऑयल डाला है। अब इसको हम फ्राई करेंगे, आधे घंटे के ऊपर हो गया ये देखिए। अब इसको हम फ्राई करेंगे। अब एक एक उठा के मैं इसमें डाल देती हूँ। सब डाल देंगे इसमें। इसमें तो पूरा ही आ गया। मसाला भी इसमें डाल देंगे सब। अब इसको हम फ्राई होने देंगे, जब तक पीछे से अच्छा ब्राउन नहीं होएगा जब तक हम इसको पलटाएंगे नहीं। अब बाकी जो मसाला बचा है इसमें पानी डाल के हम ग्रेवी में डाल देंगे। चलिए देखिए एक जगह से पीछे से हो गया, अब इसको हम पलट देंगे सब एक एक करके। ये देखिए, ये देखिए, ये होने आए पीछे से ब्राउन हो रहे। ऐसे ही करके सब पलट देंगे
पीछे से भी इसको ब्राउन होने देंगे जब तक। चलिए देखिए ये भी हमारा फ्राई हो गया है अच्छे से। अब मैं गैस बंद कर देती हूँ, अब इसकी बना लेंगे ग्रेवी। और यहाँ पे मैंने मसाला भी पीस लिया है, अभी हम ग्रेवी की तैयारी करेंगे। देखिए मैंने पैन रख दिया है, अब इसके अंदर मैं डालूंगी पहले मस्का। एक चम्मच मैंने मस्का डाल दिया इसमें, अब इसमें डालूंगी थोड़ा तेल। बस अब इसकी ग्रेवी हम बनाएंगे। और जो मैंने मसाले का पेस्ट बना के रखा था अब इसमें डाल देंगे ये वाला। मैंने इसको छाना नहीं है, अगर आप छानना चाहे तो छन्नी से इसको छान सकते हैं, लेकिन मैंने छाना नहीं है। इसमें बारे माने रहे पूरा हम डाल देंगे इसमें, इसको पकने देंगे। और ये जो पानी था हमारा चिकन का जो मैंने बचा के रख दिया था, ये भी इसमें डाल देंगे, अब इसको पकने देंगे। इसको थोड़ी देर कम से कम 5 से 6 मिनट हम भून लेंगे इसको अच्छे से। फिर इसमें चिकन भी डालेंगे, दूसरे जो मसाले वो भी डालेंगे। चलिए देखते हैं, 5 से 6 मिनट हो गया है मसाले को भून गया इसमें। अब इसमें हम डालेंगे चिकन और हमारे दूसरे मसाले, अच्छे से भून गया ये। इसमें थोड़ा सा नमक है, मैं नमक भी डाल देती हूँ, जिससे मसाले भी डालती हूँ। थोड़ा सा अपने हिसाब से डाल रही हूँ, आप लोग अपने हिसाब से डालना। थोड़ी सी मैं इसमें तीखी मिर्ची डाल रही हूँ, थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च डाल रही हूँ, थोड़ा सा धनिया पाउडर, ज़्यादा नहीं। बस फूटता बहुत है ये। अब इसमें हम डाल देंगे चिकन। ये देखिए मसाला एकदम सूख गया है, पानी था इसमें वो सब सूख गया, मसाला आ गया हमारा तैयार हो गया। अब इसमें हम ये सब चिकन उठा के डाल देंगे और ये जो इसका तेल है ये सब डाल देंगे। ला देंगे। अब इसमें हम डालेंगे दही, अब ये जो दही रखी थी पूरा डाल देंगे इसमें। मैंने फ्लेम को थोड़ा स्लो रखी हूँ क्योंकि ये उड़ता है मसाला, इसलिए। अब इसमें डालेंगे हम गरम मसाला, तो ये 1 चम्मच गरम मसाला है, अब इसमें डाल देंगे। ये देखिए अब इसको हम थोड़ी देर पकने देंगे, थोड़ा सी पानी डालेंगे अभी हमारे चिकन और ये सब मिक्स हो जाए अच्छे से। इसमें मैं पानी डालती हूँ क्योंकि हमको थोड़ी सी ग्रेवी करना है वो हिसाब से, तो हम थोड़ा पानी डालेंगे। इसको कम से कम 8 से 10 मिनट पकने देंगे बस, और फिर बाद में कसूरी मेथी हमारी रखी हुई वो भी डाल देंगे। चलिए अब इसकी ढक्कन लगा देती हूँ मैं इस पर। जल्दी से ढक्कन लगा दूँ, अब इसको 8 से 10 मिनट पकने देंगे। 10 मिनट हो गया है, माशाल्लाह ग्रेवी हमारी तैयार हो गई है। ये देखिए चिकन भी गल गया है,
अब इसमें हम डालेंगे ये कस्तूरी मेथी, मैंने इसको पहले से क्रश करके रख दिया था। और थोड़ा सा मस्का डाल देंगे, अगर आपके पास क्रीम है तो आप क्रीम इसमें डाल सकते हैं, या मलाई है तो मलाई भी डाल सकते हैं। अभी तो मेरे पास है ही नहीं फिलहाल, इसलिए मैं नहीं डाल रही हूँ, अगर आपके पास है तो ज़रूर डाल। अब मैं गैस के फ्लेम को बंद कर देती हूँ, अभी निकाल के आपको बताती हूँ। चलिए देखिए, हमारा बटर चिकन तैयार हो गया है। और मेरे पास क्रीम नहीं, फ्रेश क्रीम नहीं थी, मलाई भी नहीं थी, इसलिए मैंने नहीं डाली। अगर आपके पास है तो आप लोग ज़रूर डालिए और इसको बनाइए जिस तरीके से मैंने आपको बताया है, इसी तरीके से आप लोग बनाइए, ज़रूर खाइए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मेरी कैसी रेसिपी कैसी लगी आपको। और मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट रेसिपी में आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।